देश विदेश की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हर खबर पर हमारी पहली नजर। नमस्कार, कॉर्बेट बुलेटिन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं जाकिर अंसारी। चलिए बात करते हैं आज की खास खबरों की। खबर बहेड़ी से है। शासन की मंशा है कि विपरीत चल रहे मंडी स्थित नेफेड क्रय केंद्र फिर भारी किसानों की आड़ में कारोबारी अपना धान न ला सके, इसके लिए किसानों के वाहनों को टोकन देने की व्यवस्था लागू की गई है। पर मंडी यार्ड नेफेड के लिए केंद्र पर वाहनों को टोकन नहीं दिए जा रहे हैं, जिससे आने वाले धान का ये पता लगाना कठिन है कि ये धान किसान ला रहा है या फिर कारोबारी। किसानों के अनुसार अगर बात की जाए क्रय केंद्र प्रभारी किसानों की बजाय कारोबारियों के धान तोलने में ज़्यादा रुचि दिखा रहे हैं। किसानों ने बताया कि जो लोग 15-15 दिन से धान लाए हैं उनका धान ना तोलकर व्यापारियों का धान पहले तोला जा रहा है। किसान मोहम्मद सोहेल ने बताया कि उनका धान 15-16 दिन से मंडी में पड़ा है। नेफेड केंद्र प्रभारी के पास नंबर भी लगाया, लेकिन अब केंद्र प्रभारी कह रहे हैं कि नंबर से नहीं, जैसे हम चाहेंगे वैसे तोलेंगे, जिससे शिकायत करनी है करें, हम तो प्राइवेट कर्मचारी हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, हमारा कुछ नहीं होगा। वही गांव तिगड़ी का पीसयुक्त क्रय केंद्र तिगड़ी गांव में ना चलकर कुतुबपुर में संचालित है। गुरुवार को देखा गया तो बंद मिला, किसान बाहर खड़े इंतजार करते रहे। गांव के लोगों ने ये भी बताया कि यहाँ केंद्र प्रभारी बहेड़ी के एक राइस मिलर के रिश्तेदार का है, जो कि नगद में किसानों से 1200 रुपये लेकर 1300 रुपये तक धान खरीद कर राइस मिल तक पहुंचा रहे हैं। जब उनसे इस मामले में बात की तो उन्होंने एक्सीडेंट का बहाना कर बताया, इसलिए मैं नहीं आ पाया क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हो गया है। क्रय केंद्र में पत्रकार पहुंचे, मुझे फ़ोन कर लोगों ने बताया, तब मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से अधिकारियों को जानकारी दी, मैं केंद्र पर आ नहीं सकता। पीसीयू केंद्र प्रभारी तिगड़ी ने बताया कि मेरे संज्ञान में आया है, मैं जांच कर उचित कार्रवाई करूंगा। आप देख रहे हैं बहेड़ी से शाहिद अंसारी की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें, ऐसी ही विशेष खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नज़र।